ప్రియాద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ప్రియాద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద హరి కృష్ణ పుస్తకాంగ కృష్ణ కృష్ణ హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి 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 కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ రామ రామ
बिहारी लाल की, प्लस पूरी गोस्वामी की, प्लस परमानंद पूरी की, पिताई गौर ब्रह्मानंद। हाँ हरे कृष्णा। देखो हाँ हरि बोल हरे कृष्णा। अब इधर बैठो, कोई हिंदी भाषा में नहीं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बार जोर करें बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। एदिगास बसे बसे कथा सुना। এই খুপে কি হয়েছিল না হয়েছিল হিন্দি বুঝতে পারে? হ্যাঁ হিন্দি না, আপনার বাঙালি না? এই খুপের কথা শোন, বস কথা শোন। হ্যাঁ বস হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ সর্বপ্রথম মেরে গুরু পাদ পদ্ম নিতলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণু পাদ অষ্টোত্তর সত্র শ্রী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি শ্রী রূপ सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ कभी जो स्थान है हम लोग आए हैं, कहते यहाँ पर महाप्रभु का एक परिकर थे जिनका नाम था परमानंदपुरी। ये जो परमानंदपुरी कहते ये कृष्ण लीला में ये उद्धव जी है, कृष्ण लीला में ये उद्धव जी है। बोले जो उद्धव जी ये कौन है? बोले ये कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव है। इसलिए पांच तरह का भक्तों का नाम ली गई है, एक ज्ञानी भक्त, एक प्रेमी भक्त, एक प्रेमा शुद्ध भक्त, एक प्रेमापर और एक प्रेमातुर। प्रेमातुर मतलब प्रेम में आतुर। सबसे बड़े जो भक्त बताया ये उद्धव जी को है, प्रेमातुर भक्त है। इनके जैसे जगत में कोई भक्त है ही नहीं कृष्ण का। इसलिए कभी कभी कृष्ण उद्धव जी की महिमा को बताते हुए कहते हैं, हे उद्धव जी तू मेरे जितने प्रिय है ना, बोले ना तथा में प्रियतम आत्मज्योनिर। क्या आत्मज्योनिर मतलब मेरे जो पुत्र है, आपको पता होगा पुत्र कितना प्यारा है। कहते उद्धव तुम जितने मेरे प्यारे है ना, मेरे बेटा भी इतना प्यारा नहीं। कहते भगवान का बेटा कौन है? कहते श्री ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से जो प्रकट हुए हैं। बोले मेरे बेटे की बात छोड़ दो, कहते मेरे जो हरिहर एकात्मा जो शंकर है, वो शंकर भी इतना प्यारा नहीं है तो मेरे जितना प्यारे हो। बोले शंकर की बात छोड़ दो, कहते मेरी जो पत्नी है ये जितने प्यारी है, हैं कहते जो मेरी लक्ष्मी, कहते वो जितने प्यारी है ना, लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं। इसलिए तुम मेरे जितने प्रिय हो, माँ लक्ष्मी भी मेरी इतना प्रिय नहीं। आपको पता होगा घर में अगर झगड़ा हो भाई भाई में, हम किसको लेकर अलग हो जाते हैं? पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं। एक समय किसी गुरुजी ने पूछा शिष्य को, बोले शिष्य बताओ ये दुकान किसकी? बोले गुरुदेव आपका ही है। बोले ये मकान किसकी? बोले गुरुदेव सब आपका ही है। बोले ये घर द्वार सब काम, बोले गुरुदेव सब आपकी है। बोले ये बेटा किसके? बोले आप ही के गुरुदेव, आपका ही गुरुदेव सब। बोले आपने? बोले ये बीवी किसकी है? बोले बीवी किसकी? फिर किसकी बोलेगी? कहती है बीवी मेरी है, ये बीवी मेरी है।
इसलिए बीवी की बोलेगी नहीं, बीवी आपकी है, मतलब पत्नी मतलब है ना, सारा दुनिया भले किसका आपका आपका हो जाए, लेकिन बीवी जो है ना अपना पत्नी, वो किसी की नहीं, पत्नी अपनी है। इसलिए भगवान कहते मेरी पत्नी जितने हैं, इसलिए तुम जितने प्यारे हैं ना, मेरी पत्नी भी इतना मेरी प्यारी नहीं है। इसलिए बोले पत्नी की बात छोड़ दो, लेकिन मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु, कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, केवल इतना फर्क और कुछ फर्क नहीं, लेकिन तुम इतने जितने प्यारे है ना, कहते मेरे ताऊ भैया भी इतना प्यारा नहीं, लेकिन इस जगत में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा हो ना, अपने आप है। अगर कभी लड़ाई हो, हम पुत्र को भी त्याग दे देते हैं, लड़ाई हो भाई को भी त्याग दे देते हैं, लड़ाई हो कभी कभी अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, लास्ट में डाइवोर्स भी पत्नी को भी दे देते हैं, लेकिन अपने आप को कभी त्याग कर सकते हैं? अपने आप को कभी हम त्याग कर सकते हैं? कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय है ना, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, इतने प्रिय श्री उद्धव। इसलिए उद्धव जी के लिए बताए कृष्णा प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। यहाँ पर कहते हैं हे उद्धव, इसलिए उनका नाम है उद्धव। उद्धव मतलब क्या है? बोले उद्गत तमः, जिससे तम संपूर्ण निकल गया, जो एकदम प्योर है, हैं? इसलिए उनका नाम उद्धव। इसलिए कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, कृष्ण नाम प्रवर मंत्री है। अगर कृष्ण को भी अगर कोई काम करना है ना, वो परामर्श लेते तो किससे परामर्श लेते हैं? बोले श्री उद्धव जी से परामर्श लेते हैं, हैं? और कृष्ण सदैत सखा, कृष्ण का सखा भी है, कृष्ण की ये प्यारे भी है। इसलिए उद्धव बुद्धि सत्तम, तो उद्धव जी बुद्धियों में एकदम सर्वश्रेष्ठ बुद्धि उद्धव उद्धव जी की, इतने उद्धव जी कृष्ण के प्यारे हैं। इसलिए अगर ब्रज में भेजना तो किसको उन्होंने ब्रज में भेजे? केवल उद्धव जी को ब्रज में भेजे, क्योंकि देखा अगर ब्रज भक्ति को अगर कोई थोड़ी बहुत पता लगा सकता है ना, केवल एक व्यक्ति पता लगा सकता है, कौन? श्री उद्धव जी, और कोई पता नहीं लगा सकते। इसलिए उनने उद्धव जी को ही ब्रज में उद्धव जी को भेजते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं परमानंदपुरी कौन है? बोले श्री उद्धव। और इनके लिए बताए, इनके अंदर में जब महाप्रभु जब इनके साथ में वार्तालाप करते थे, जैसे कृष्ण अर्जुन को साथ में जैसे हंसी दिलाई करते हैं, क्योंकि वो बहू नहीं है, बहू नहीं है ना, है? कौन बहू नहीं है? कहते श्री अर्जुन कृष्ण की, इसलिए एकदम हंसी दिलाई जैसे करते थे, ऐसे कृष्ण महाप्रभु ये पुरी है, कहते इनको साथ में भी ऐसे व्यवहार। इसलिए महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा गए थे भ्रमण करने के लिए, तब उन्होंने इनको साथ में वहीं पर मिले, बोले देखो तुम जगन्नाथपुरी आओ, हम दोनों बैठ करके एकांत में कृष्ण कथा हम आपस में हरि कथा हम डिस्कशन करेंगे, हैं? हरि कथा हम बोलेंगे, हैं? इसलिए उन्होंने दक्षिण छोड़ करके यहीं पर आए, और यहीं पर आ करके वो यहीं पर जो जिस जगह हम बैठे हैं ना, वो यहीं पर रहा करते थे। महाप्रभु बीच बीच में आते थे, वो जो कुआं देख रहे हैं वो कुआं पहले से ही था। एक दिन महाप्रभु सब जानते हैं, एक दिन महाप्रभु आकर के बोले भैया ये कुआं क्या इस कैसे? बोले ठाकुर जी हम बड़े दुर्भाग्य है, मेरे दुर्भाग्य से ये कुआं का पानी भी कीचड़ कीचड़ है, ये कभी साफ नहीं होता, हर समय ये एकदम घोला घोला कीचड़ कीचड़ रहते है। इतने में महाप्रभु कहते जानते हो क्यों ये पानी कीचड़ कीचड़ रहता है? कारण तुम यहाँ रहते हो ना, और ये उद्धव अर्जुन का भी अंश है और उद्धव हो, इसलिए ये तुम्हारी कुआ है ना, तुम जिस पानी को व्यवहार करते हो, इसलिए अगर ये पवित्र पानी होता है ना, एकदम पवित्र क्या होता, सारा लोग ये पानी को ग्रहण करते हुए वो भी पवित्र हो जाते, वो भी उद्धार हो जाते। इसलिए ये भगवान ने क्या किया, उन्होंने जान बुझ कर पानी को उन्होंने मिट्टी मिट्टी इसमें मिट्टी मिट्टी बनाकर रख दिया। लेकिन महाप्रभु बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये पानी और मिट्टी पानी रहेगी नहीं, ये पानी पवित्र हो जाएगा, पानी सबके सब कल देखना सबके सब पानी पवित्र हो गया। सचमुच से जब भक्त लोग आए, दूसरे दिन जब यहाँ पर आए ना, देखा वो पानी जो घोला घोला पानी था, वो घोला घोला पानी है नहीं, पानी एकदम पवित्र है। इसलिए कहते तीन गंगा है, कहते एक गंगा है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी,
और एक गंगा है इस मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, और एक गंगा अंदर में पाताल में जिसका नाम भोगवती। कहते इसी पानी को अंदर में भोगवती जो गंगा है स्वयं ये पानी को अंदर में प्रवेश किया है, इसलिए एकदम पानी एकदम पवित्र पानी हो गया है। अभी सारा दुनिया में पता चले गया ये पानी तो गंगा स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई, और दूर दूर से सारे भक्त लोग आए और आकर के ये जो कुआ है ना इसको परिक्रमा लगाई, सबके सब परिक्रमा। क्यों? गंगा सख्यात, ये गंगा स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गई। इसलिए गंगा तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद प्रभुपाद का मंदिर में चलेंगे, चलो वहां प्रभुपाद कथा सुना, ठीक है, वहीं पर प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा, सब भक्त लोग आए और बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भक्त लोग आकर के ये कुंड को उन्होंने सबके सब परिक्रमा लगाई, और ये जो पानी है अभी जैसे किसी मंदिर में अभिषेक होता है जगन्नाथ जी को जो स्नान, सबके सब सोने की कलसी में यहाँ से पानी भर करके ले जाता है ठाकुर जी की अभिषेक के लिए, यहाँ के पानी सबके सब व्यवहार करते हैं, हैं? इसलिए और महाप्रभु ने बताया देखो ये पानी को में जो आचमन करेगा, ये पानी में जो स्नान करेगा उसको सारे पाप खत्म हो जाएगी, और इसके इसके हृदय में भगवान कहते हैं मैं सच सच बोलता हूँ ये पानी में जो आचमन करेगा, इसे पानी में जो स्नान करेगा क्या होगा उसके हृदय में निश्चिंत रूप में कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, निश्चिंत रूप में। महाप्रभु गारंटी देते हैं ये पानी को ग्रहण करने से आपको निश्चिंत रूप में भगवान की भक्ति और कृष्ण प्रेम निश्चिंत निश्चिंत रूप में प्राप्ति होगी, ये महाप्रभु की मुखनिश्रित ये पानी है। इसलिए ये गंगा, और गंगा की बड़ी पवित्रता है क्योंकि शंकर जी स्वयं अपना जटा में उन्होंने गंगा जी को धारण किया, मतलब गंगा जी की इतने पवित्र है शंकर भी अपना जटा में ये गंगा पानी को शंकर भी धारण करते हैं। इसलिए महाप्रभु जब जा रहे थे सन्यास लेकर के, उनने देखा बड़ी दूर तक तो कहीं भगवान के नाम कीर्तन नहीं, कोई भी प्रभु का कीर्तन भक्ति कोई नहीं हरि नाम, लेकिन जब हठात उन्होंने सुना हरि बोल हरि बोल हरि बोल, महाप्रभु बोले भैया यहाँ इतना दूर तक आया कहीं भी हरि बोल नाम तो नहीं सुना, यहाँ पर हरि बोल नाम कैसे आ रहा है? फिर उनको पता चला ये पास में गंगा है, पास में गंगा है, कहते गंगा का पानी इतने पवित्रता है, कहते उसका हवा भी जिसको शरीर में लग जाए ना उसके हृदय में भी कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी, कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी, केवल उसका हवा लगते ही शरीर के अंदर में इतने पवित्रता श्री गंगा पानी की। इसलिए गुरुदेव एक स्टोरी सुनाते थे, एक भूत का कथा सुन लो, बोले एक भूत का कथा सुन लो, हरे कृष्णा। कहते एक समय एक जो ओझा होते है ना, ओझा जो भूत को छुड़ाते, जो भूत मंत्र की तरह भूत छुड़ाते, कहीं जा रहा था, देखा कुछ भूत लोग बैठ करके वहां पर बैनपट्टी बजा बज रहे हैं, और वहां पर सेनाएं बज रही हैं, और उत्सव हो रहा है शादी की तैयारी। तो उन्होंने देखा भाई आज ये भूत लोग बैठी करके आज शादी के गाना क्यों गा रहे हैं, हैं? आज ये इनका उत्सव क्यों? वो तो था वो जहाज मंत्र जानता था, एक भूत को बोला बोले धरा बोले क्या बात आज क्या हो रही है? बोले कल हमारी एक बेटी की शादी है, एक पत्नी की भूती भूतनी की शादी होगी, बोले वो कुंवारी अवस्था में शरीर छोड़ दी थी उसकी शादी नहीं हुई, कल शादी के लिए, कल शादी इसलिए हम तैयारी आज कर रहे हैं। आज तो बोले शादी क्या किसको लड़का कहाँ से आएगा, ये भूत को पहले सारे बात पता चलता है, सारी चीज को जानते हैं। बोले कल दो साढ़ में लड़ाई होगी, दो साढ़ में लड़ाई होगी, जो लड़ाई होगी अभी वो लड़ाई किस तरह से खत्म नहीं होगा, एक हट्टे कट्टे की जवान वो दोनों साढ़ की जो लड़ाई होगी उसको छुड़ाने के लिए जाएंगे, जब छुड़ाने जाएंगे वो दोनों साढ़ तो बड़े क्रोध में रहेंगे, इसलिए जब छुड़ाने के लिए जाएंगे इतने में ही दोनों साढ़ ने उसको इतने क्रोधित होकर रहेंगे सींग से इसे मारेंगे, पेट फाड़ देंगे तो वो वहीं पर गिर जाएगा और वो शरीर छोड़ देगा मर जाएगा, और वो अपमृत्यु से, उसका भी शादी नहीं हुआ, अपमृत्यु होने से प्रेत होता है, इसलिए वो भी कल प्रेत बनकर के आएगा, भूत बनकर के आएगा।
इसलिए कल हमारी शादी होगी, इसलिए आज हम प्रिपेयर न कर रहे, बाजा गाजा बजा रहे। वो फिर गुणी दूसरे दिन उधर से गए, जब उधर से गए देखा वो सबके सब भूत बैठ करके रो रहे, सारे भूत बैठ करके रो रहे। बोले भैया क्या बात है, कल तो गाजा बाजा को साथ उत्सव कर रहे थे, आज रो रहे क्यों? बोले एक अनहोनी हो गई। बोले क्या अनहोनी हो गई? तब वो ओझा ने कहा देखो मैंने पता लगाया सचमुच से दोनों साइड में लड़ाई हुई थी, और एक जवान छुड़ाने के लिए गया तो मारे तो उसको मार दिया, हमने ये बात सारी सुनी है। फिर अनहोनी क्या हो गई? अब देखना जब सांड की सींग में कभी खुजली मचती है ना, वो मिट्टी को ऐसे कुतरता है, मिट्टी को ऐसे कुतरता है। उसने गंगा किनारे में अपना सींग से वो मिट्टी को ऐसे ऐसे कुतरा था, अभी वो सींग को सींग में वो जो गंगा का जो मिट्टी लगा हुआ था है, वो सांड ने जब मारा वो जवान को, उस समय मारते समय गंगा मिट्टी था, वो गंगा मिट्टी उसको शरीर में लग गया। शरीर में लगते ही वो प्रेत क्या बनेगा, उसका मुक्ति होकर सीधा वैकुंठ चला गया, उसको मुक्ति मिली और सीधा वैकुंठ चली गई। इसलिए हमारी बेटी कुंवारी की कुंवारी रह गई, शादी नहीं होगा इसलिए हम बैठ कर रो रहे हैं, बड़े कष्ट से के दामाद मिलने था, मिलता था दामाद, लेकिन वो दामाद भी चला गया वैकुंठ। इसलिए गंगा की इतने पवित्रता है, गंगा पानी की इतने पवित्रता, इसलिए गुरुदेव और समझती हो, इसलिए गुरुदेव और ये कथा सुना देते। बोले गंगा किनारे में कोई एक सर्प पील में रहता था, वो अपना सर को बाहर निकाला था। इतने में गरुड़ जी उड़ते हुए जा रहा था, और गरुड़ जी का आहार होता है सर्प। इतने में वो गरुड़ ने क्या किया, पंजा मारे और वो सर्प को पकड़ा, पकड़ करके जब उसको खींचे, खींचते समय उसको प्राण छूट गए। छूटते समय उसका जो पूछ था, जिसमें प्राण छूट गई, उसका पूछ वो पानी में स्पर्श हो गया, गंगा पानी में स्पर्श हो गया। स्पर्श हो गया तो इतने में वो जो सर्प था ना, उसने झट चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, उसने चतुर्भुज नारायण है भगवान की भक्त का रूप धारण किया। अभी गरुड़ जी वो सांप को खाएगा क्या, उसको पीठ ऊपर बैठा करके उसको वैकुंठ ले जाना पड़ा, उसको पीठ ऊपर वैकुंठ ले जाना पड़ा। मतलब गंगा पानी की इतने पवित्रता है, इतने पवित्रता है, इसलिए गंगा पानी में कभी भी कीड़ा नहीं बनते कभी। इसलिए पानी में आप देखना ढका हुआ पानी, पानी निकाला उसमें कोई कीड़ा नहीं, उसमें कोई, आप देखना कुएं को ज्यादा दिन रुक दो ना, वैसे पानी व्यवहार मत करो, उसमें कीड़े बन जाते हैं, लेकिन ये कुएं में कभी कीड़े में नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? कारण ये जो पानी है, ये गंगा स्वयं इसमें प्रवेश किया हुआ है, इसलिए ये कुआ का पानी अत्यंत अत्यंत ये पवित्र कुएं का पानी है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री परमानंद प्रभु की, बोले सपार्षद गौर हरि की, परमानंद कूप की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम करो।